भारत ने G20 अध्यक्ष के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत का G20 एजेंडा इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसीजिव होगा। अपने एक ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को साकार करेगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने ब्लॉक के अंत में भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया है।